पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। कल यहाँ पर परीक्षा हुई थी, लगभग लगभग आपके 60% जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा यहाँ पर छोड़ दी है। ये पेपर आपका हुआ था इंफोर्समेंट ऑफिसर की परीक्षा की गई थी, जिसमें यहाँ पर दून के 48 केंद्रों पर 7076 के करीबन यहाँ पर जो है इतने शामिल हुए थे, जबकि यहाँ पर 12,735 अनुपस्थित रहे। तो 12,000 लोगों ने परीक्षा यहाँ पर छोड़ दिए हैं, जिसमें यहाँ पर देखते हैं इंफॉर्मेंट और अकाउंट ऑफिसर की परीक्षा रेवा खुदून में यहाँ पर 48 परीक्षा केंद्र पर हुई थी, जिसमें से 9 से लेके 9:30 से लेके 11:30 के बीच में आपका प्रथम पाली हुआ था, और इसमें बंद लगभग 64% यहाँ पर जो है परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे थे। और परीक्षा शुरू होने से पहले जो है केंद्र पर जो है छात्रों की यहाँ पर जाँच हुई, और मोबाइल फोन बैग जो समय जो है अन्य जो उपकरण थे वो जमा करवा लिए गए थे, और परीक्षा काफ़ी शानदार तरीके से रहा है। बात करते हैं यहाँ पर 8,000 सीटों पर जो है दाखिले का मौका, तो यहाँ पर देखते हैं ITI 12 जुलाई तक जो है आवेदन, तो यहाँ पर देखते हैं 12,000 सीटों पर जो है दाखिला होने हैं ITI में, इसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद मेरिट के आधार पर जो है होंगे दाखिले, तो मेरिट के आधार पर होना है दाखिला। और OBC और यहाँ पर जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनको 350 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, बाकी जो EWS अभ्यर्थी हैं और उनको 250 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास है 12 जुलाई तक का समय। और साथ में यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिटेक्निक में जो है दाखिले के लिए यहाँ पर जो है 11 से काउंसलिंग, तो 11 से यहाँ पर काउंसलिंग होनी है पॉलिटेक्निक में दाखिले को लेकर। इसके लिए बताया गया है कि 145 जो यहाँ पर सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थान है, यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा यहाँ पर डिप्लोमा सीटों पर जो है दाखिले को लेकर 11 जुलाई से यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। और इसके लिए यहाँ पर उत्तराखंड की प्रावधिक शिक्षा परिषद ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और काउंसलिंग में परेशानी हो तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए UBTR ने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक का। वेबसाइट भी ईमेल भी जारी किया गया है, कोई दिक्कत होती है तो इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो आयोग ने है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन को लेकर 7 जुलाई को बुलाया है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर सहायक कुल सचिव परीक्षा में मेरिट के आधार पर जो है चयनित जो अभ्यर्थी थे उनके लिए DB के लिए 7 जुलाई को शुरू कर दिए गए हैं, और 15 पदों के लिए यहाँ जो है आयोग ने 41 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया है। तो एक 15 पद है, इसमें 41 लोगों को DB के लिए बुला रखा है। और आयोग के मुताबिक जो गिरधारी सिंह रावत हैं उनकी तरफ बताया गया है कि सहायक कुल सचिव 15 पदों के लिए यहाँ पर 8 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा किया गया था, और 30 जून 2023 को इसका आपका परिणाम जारी कर दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसका इंटरव्यू होगा इसमें। और वहीं बात करें यहाँ पर सिपेट में जो है प्रवेश के लिए 28 जुलाई तक आवेदन करें, तो 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय जो पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है इनकी सिपेट, इसके लिए 2023 के सत्र में डिप्लोमा प्रशिक्षण के लिए प्रवेश ले सकते हैं छात्र छात्राएं। 28 जुलाई तक जो है आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, इसके लिए लास्ट डेट जारी किया गया। और वहीं यहाँ पर UTU में काउंसलिंग पूरी 5 तक जो है मिलेगा प्रवेश, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंसलिंग पूरी 5 तक जो है मिल जाएगा आपको प्रवेश। तो दूसरी चरण की जो काउंसलिंग है 7 को, और तीसरी चरण की जो काउंसलिंग होगी 22 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। यानी कि आपका उत्तराखंड के जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसमें आपकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, और आपके 5 तक जो है एडमिशन हो जाएंगे, और दूसरी काउंसलिंग तीसरी काउंसलिंग भी डेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और 7 जुलाई को जो है यहाँ पर सीट जो है लॉक हो जाएगी, और 18 से लेके 20 तक जो है आपके यहाँ पर बताया गया है कि छात्रों को यहाँ पर जो है आना होगा। तो 18-20 को यहाँ छात्रों को आना होगा, BTech है, BPharm है, इनमें जो है 3 जुलाई तक जो है जमा होंगे फीस, तो इनकी फीस जमा करने की बात कही गई है। और PhD में जो है प्रवेश की जो अंतिम तिथि है 10 जुलाई रखी गई है, तो PhD में आवेदन करना चाहते हैं 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और देहरादून सहित जो है कई परीक्षा केंद्र पर यहाँ जो है PG CUT यहाँ परीक्षा होनी है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता के 186 पदों के लिए यहाँ परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, तो 186 पदों के लिए यहाँ परीक्षा आपका होनी है 13, 14, 15, 16, 18 अगस्त को। तो आपका हरिद्वार है, रुड़की, हल्द्वानी है, देहरादून है, ऋषिकेश, इनमें परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और इसके लिए सहायक अभियंता की पोस्ट, यानी कि AE की पोस्ट है, 186 करीबन पोस्ट हैं, इसका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पहले भी यहाँ जो इनका कार्यक्रम लेकर इसको पोस्टपोन कर दिया, फिर से एक नई डेट जारी किए गए हैं अभ्यर्थियों के। और वहीं यहाँ पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, तो लॉ में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपके लिए जो है खुशखबरी है, तो कॉमन लॉ टेस्ट यानी कि क्लैट
2024 के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इच्छुक अभ्यर्थी 3 नवंबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं। तो 3 नवंबर तक करना है और परीक्षा जो है 3 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। तो 3 दिसंबर को इसकी एग्जामिनेशन जारी भी किया जाएगा और राष्ट्रीय स्किल सेल अनुमोदन अभियान की जो है उत्तराखंड में भी शुरू करने की बात कही। और वहीं बात करें यहाँ पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मानचित्राकार जो मानचित्र था इसके 13 जुलाई कर दिए हैं। साथ में 10 जुलाई तक जो है होंगे लिखित परीक्षा का आवेदन शुल्क। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग के संभागीय जो निरीक्षक हैं इसके लिए लोक सेवा आयोग ने 10 जुलाई तक जो है जमा करने की बात कही गई है मुख्य परीक्षा के बाद से, सॉरी आपका प्री एग्जामिनेशन के बाद से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर 10 जुलाई। सरकारी स्कूलों का जो है लगातार होगा चेक मुआना। तो यहाँ पर गर्मी की छुट्टी के बाद जो है स्कूल खुलने के पहले दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की गैर हाजिरी को गंभीरता से लिया है और अब से यहाँ जो है नियमित रूप से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों का जो है अचेक जो है मुआयना किया जाएगा। और बीते प्रदेश में बताया गया है कि 303 जो प्रधानाचार्य हैं प्रधान अध्यापक समेत जो है 303 शिक्षक गैर हाजिर मिले तब सभी का यहाँ जो है वेतन रोकते हुए जवाब तलब किया जा रहा है। और हाल ही में जो छुट्टियां खत्म होने के बाद जो शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं तो इसकी सख्ती को देखते हुए यहाँ जो है अब विभाग में डेली बेसिस पे यहाँ जो है अचूक निरीक्षण कर दिया जाए। बात करते हैं अशासकीय स्कूलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि अशासकीय स्कूलों की जो मिलने वाली प्रोत्साहन सालाना प्रोत्साहन राशि है वो 3 गुना तक बढ़ जाएगी। तो 3 गुना तक बढ़ने वाली है। इसके लिए बताया गया है कि जल्द कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है और 500 से ज़्यादा स्कूल यहाँ पर इसके दायरे में हैं। और 4 जनवरी 2017 में जो है लागू की गई थी दरों में बदलाव और यहाँ पर अब 500 के करीब जो है अशासकीय स्कूल में आएगा दायर ये भर्ती का इसमें भीतर इसके भीतर। और शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव पर जो शासन से मुहर लगाई मुहर और वित्त की मंजूरी के बाद जो है लिया जाएगा कैबिनेट प्रस्ताव। तो वित्त के निर्णय के बाद से यहाँ पर कैबिनेट फैसला लेगा। शासन ने फिलहाल यहाँ प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। कोऑपरेटिव बैंक में जो है बैकडोर भर्ती वालों को वेतन वृद्धि। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक बैकडोर भर्ती अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो वेतनमान है वो बढ़ा दिया गया हुआ है जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती बैकडोर के माध्यम से हुए थे। और रजिस्ट्रार ऑफिस की ओर से यहाँ जो है सहकार राज्य के जो सहकारी बैंक को जो है पूर्व में भी यहाँ जो है किसी प्रकार का जो है कोई अनुमान नहीं दिया गया था और अभी जो है दोबारा कर्मचारियों का जो है वेतन बढ़ाने उसका रजिस्ट्रार ऑफिस से अनुमोदन मांगने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। प्रस्ताव आने पर जो है उसका परीक्षण करने के बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा जो कि यहाँ पर रजिस्ट्रार जो कॉपरेटिव बैंक है उनके द्वारा बताया गया। बात करें यहाँ पर पॉलिटेक्निक प्रवक्ताओं के बताया गया है कि 300 के करीब जो रिक्त पद हैं वो भरने की बात कही गई है। इन पदों पर भर्ती होनी है और इसके लिए वन और तकनीकी शिक्षा जो यहाँ पर मंत्री हैं सुबोध उनियाल ने कहा है कि नए सत्र में यहाँ पर पॉलिटेक्निक संस्थानों को हाईटेक बनाया जाएगा और पॉलिटेक्निक में जितने भी रिक्त पद हैं उन प्रशिक्षित युवाओं को जो है बेहतर जो है इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर भवनहीन कॉलेज के लिए प्राथमिकता के आधार पर जो है वह धनराशि स्वीकृत की जाएगी कहा गया है। और इसमें यहाँ पर इनका बयान जारी कराया गया है कि लगभग 300 के करीब पद खाली हैं उन पदों की भर्ती यहाँ पर करने की बात सुबोध उनियाल ने कहा है कि और साथ में भवन बनाने की बात भी कहा गया। बात करते हैं आज के जॉब अपडेट को लेकर। तो RPSC में यहाँ पर 905 पदों की पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए आप RPSC की साइट में आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखते हैं SSC ने यहाँ पर जारी किया 1558 पदों पर MTS की पोस्ट। तो SSC यहाँ पर MTS की पोस्ट निकाली गई हैं और इसके लिए 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दोबारा से फॉर्म निकल चुके हैं। आप यहाँ पर जो हवलदार है और यहाँ पर MTS नॉन टेक्निकल की पोस्ट हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।